गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज एक सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करने वाले, दैट इज आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सेट। अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन मोस्टली ये टाइप्स ऑफ सेट पे रहेगा, तो हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट लिखेंगे। तो सबसे पहले आते दैट इज आते सिंगल टेन सेट। अब सिंगल टेन सेट का स्पेशलिटी क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट। अब इसका क्या मतलब है, तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इस केस में ए इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टू आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे एक है, तो ये बन जाएगा सिंगल टेन सेट। सेकेंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। व्हाट डू मीन बाय नल सेट, देर इज नो एलिमेंट इन गिवन सेट। अब इसका क्या मतलब है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूं x such that x belongs to natural number, x is between 3 and किसके बीच में, 2 के बीच में। अब हमें पता है 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या रहेगा, 0, या इसको और एक एक तरीका रिप्रेजेंट करने का जिसको हम लोग बोलते हैं फाई। सिंबल का नाम क्या है, फाई। तो जब एक भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो ये जो सेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। तीसरा जो है इसका हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसमें क्या रहेगा, एलिमेंट्स इन सेट इस क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल वर्ड का मीनिंग क्या है, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट फाइव काउंटिंग नंबर्स। तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 1 2 3 4 5। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में गिन सकता हूं कितना है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो एक इसका एग्जांपल हो गया फाइनाइट सेट का। नेक्स्ट इज फोर्थ इन फाइनाइट सेट। तो इन फाइनाइट सेट्स में जो एलिमेंट्स रहेगा, एलिमेंट्स इन सेट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वर्ड का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पे एलिमेंट्स हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। तो जैसे कि एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला गया। अब इसमें क्या आएगा, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अभी का एंड होगा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जहां पे एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ध्यान से देखना, जो सिंगलटन सेट है उसको हम लोग फाइनाइट सेट में भी काउंट करते, जो नल सेट है इसको भी हम लोग किसमें काउंट करते, फाइनाइट सेट में। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक एलिमेंट है, किसमें, सिंगलटन में। यहाँ पे हम लोग काउंट करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 एलिमेंट्स है। तो सिंगलटन एंड नल सेट जो है ये दोनों किसमें काउंट किया जाता है, फाइनाइट सेट में काउंट किया जाता है। अब जाते थोड़ा सा आगे, तो जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या काउंट करते, वी कॉल इट एज इक्वल सेट। नाउ जैसे कि एग्जाम्पल लेट से यहां पे ए फर्स्ट इवन नंबर एंड बी यहाँ पे रहेगा इवन प्राइम नंबर। ओके, अब इस केस में क्या आएगा, सेट ए में फर्स्ट इवन नंबर ये क्या है, 2, बी में इवन प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, 2। जब एलिमेंट्स ऑफ ए किसके बराबर रहेगा, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ बी के क्या रहने वाला है, बराबर, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर क्या है, इक्वल सेट। एक और बार, अगर क्या रहेगा, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो दोनों क्या रहेगा, सेम,
तो ए और बी क्या बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा, जस्ट ये हम लोग के बेसिक्स है। अब डायरेक्ट हम लोग सम से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक जस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, ये सब किसमें हम लोग काउंट करते, इनफाइनाइट सेट्स में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला बात है। अब जाते आगे, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया, तो आते सबसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। तो दिया क्या गया है, ए सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को, एंड एक्स क्या बोला गया, ऑड नंबर्स। तो इसको हमने किसमें लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 1, 3, 5, 7, 9, और ये सीरीज क्या होते रहेगा, आगे जाते रहेगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये बन गया इनफाइनाइट सेट का क्या हो गया, एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सेकेंड, हमें दिया गया यहाँ पे बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, और 3x-1 ये किसके बराबर है बोला गया, जीरो के बराबर है। अब ऐसे टाइप के सम्स में हमें क्या करना है, हम लोग ये जो अंदर का इक्वेशन है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x-1 इक्वल टू क्या है, जीरो। इक्वेशन स्पेसिफिकली सॉल्व करते वक्त हम लोग बॉडमास का क्या करेंगे, उल्टा यूज करेंगे। अब बॉडमास का उल्टा का मतलब क्या है, पहले हम लोग चेक करेंगे कोई एड सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्या, यहाँ पे कौन कर रहा है, -1, इसको हम लोग पहले दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो -1 दूसरी साइड गया तो क्या होगा, +1। नेक्स्ट फिर हम लोग चेक करेंगे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है क्या, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कौन कर रहा है, 3 दूसरा गया तो कितना आएगा, 1 अपॉन कितना होगा, 3। ओके, अब नेक्स्ट, क्या 1/3 बिलोंग करता है क्या नेचुरल नंबर को, ऑफकोर्स नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का बी जो आएगा ये आ जाएगा नल सेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नल सेट। एंड नल सेट एक और एक टाइप का सेट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। अब आते थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड में हमें क्या बोला गया, एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, एक्स डिविजिबल बाय क्या है, 7। 7 से डिविजिबल रहने का मतलब क्या है, नंबर्स जो क्या रहेगा 7 के टेबल में आता है। ऑफकोर्स नेचुरल नंबर बोला तो हम लोग को जीरो नहीं लेना है, स्टार्ट किससे करेंगे, यहां पे आएगा 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन, ये सीरीज आगे जाते ही रहेगा। ओके, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फिर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग गिन नहीं सकते, ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे 5, 6, 7, नहीं, ये ऐसे काउंट होते होते आगे बढ़ते रहने वाला है। ये किसका सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हुआ है। नेक्स्ट आते फोर्थ वाले पार्ट पे। अब फोर्थ वाला पार्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग पहले बाद में करते, पहले हम लोग यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे फोकस करते। ई इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या बोला गया, इंटीजर, x² इक्वल्स टू यहाँ पे बोला गया है 100। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट ध्यान देना। ऑफकोर्स हमें किस पे फोकस करना है, अंदर के इक्वेशन पे फोकस करना है। x² इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, 100। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे बच्चे लोग सिर्फ एक ही लिखते, दैट इज +10 लिखते हैं, -10 लेने वो लोग क्या करते, भूल जाते। अब बहुत जन के दिमाग में आएगा कैसे आ गया -10, तो जस्ट ध्यान देना, अगर मैंने +10 × +10 किया तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू कितना होगा, 100। वैसे अगर मैंने यहाँ पे -10 × क्या कर दिया, -10, कितने नेगेटिव साइंस है, 2, तो साइन क्या होगा, +10 × 10 कितना होगा, 100। ध्यान देना, जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस और माइनस दोनों लेना है। फिर दूसरा आपको क्या बताना है, +10 एंड -10 दोनों किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। इसका मतलब हमारा जो ई है इसमें क्या आएगा, दैट इज +10, और साथ ही साथ क्या आने वाला है, -10 भी आएगा। ओके, अब आते इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज 6 एंड क्वेश्चन नंबर दैट इज 4। पहले हम लोग फोकस किस पे करेंगे, 4 पे। यहां पे डी इक्वल्स टू a, b। अब इसको हम लोग क्या बोलते, ये जो टॉपिक इसको हम लोग बोलते ऑर्डर्ड पेयर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन जस्ट इसका मतलब समझ के करना।
ओके अब ध्यान देना। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? यहां पे ऐसे कितने आएंगे? दो एलिमेंट्स आएंगे जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और उससे हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके ए और बी किसको बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर्स को। हम लोग स्टार्ट किसे करेंगे? ए को लेंगे 0, तो बी को क्या होना पड़ेगा, 9। अगर मैंने ए को 1 लिया, बी कितना बन जाएगा, 8। ए को लिया 2, बी कितना आएगा, दैट इज 7। ए को लिया 3, बी को लेना पड़ेगा यहां पे 6। ए को लिया मैंने 4, बी को क्या लेंगे, 5। सिमिलरली इधर आएगा दैट इज 5, तो यहां पे आएगा 4, 6 तो यहां पे होगा 3, नेक्स्ट 7 तो यहां पे होगा दैट इज 2, 8 तो यहां पे होगा दैट इज 1, 9 तो यहां पे होगा दैट इज 0। अब ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? ऑर्डर्ड पेयर्स के। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे, एक साथ किसका वैल्यूज ले रहे, ए एंड बी का। ए का पहला, ए का वैल्यू कितना था, 0। बी का वैल्यू कितना था, 9। ए का वैल्यू था 1, बी का वैल्यू है 8। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 7। ए का वैल्यू यहाँ पे 3, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। वैसे नेक्स्ट क्या आ रहा है, 4 एंड 5। इधर आ रहा है नेक्स्ट 5 एंड 4। अब बहुत जन के दिमाग में आएगा, अरे सर ने तो बोला था यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, ऑर्डर मैटर करता है। तो इधर पहले 4 आ रहा है फिर 5 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है और फिर 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाले जो पार्ट में ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, और दूसरे वाले में ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू क्या है, 4। दोनों केसेस में ए का वैल्यू क्या है, डिफरेंट, बी का वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए दोनों सेम नहीं है। सिमिलरली इधर आएगा 6 एंड 3, नेक्स्ट आएगा दैट इज 7 एंड 2, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 8 एंड 1, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 9 और क्या होगा, 0। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आते दैट इज फिफ्थ वाले पे। ओके इस क्वेश्चन में दैट इज सिक्स्थ वाले में हमें क्या बोला, एफ इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी किसको बिलोंग करता है बोला गया, रैशनल नंबर्स को। ए प्लस बी कितना होगा बोला गया, 11। अब जरा ध्यान देना, अब ए और बी कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो जैसे कि अगर मैंने लिया यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिया, 10, तो ये हो जाएगा 11। अगर किसने लिया 1.1, 9.9, 1.01, 9.09, सॉरी मेरा गलती हुआ, 9.99 आएगा, 1.001, 9.999। तो ये नंबर्स ऐसे ही क्या होते रहेगा, जाते ही रहेगा। ये सीरीज कभी खत्म होने वाला है क्या? नहीं। वैसे अगर किसके दिमाग में आया, लेट से मैं क्या लेता हूं, 2 और 9, तो यहां पे भी सीरीज ऐसे ही जाने वाला है, 2.1, 8 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 9। नेक्स्ट 2.01, 8 पॉइंट यहाँ पे 99, 2.001, 8.999, और ये सीरीज भी ऐसे ही क्या होते रहेगा, आगे जाते रहेगा। ओके तो इसका मतलब क्या, अगर इसको मेरे को आंसर के फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1,10। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 1.1,9.9, नेक्स्ट 1.01, 9.99, नेक्स्ट आ रहा है 1.001, 9.999, एंड ये सीरीज क्या होते रहने वाला है, आगे आगे क्या होने वाला है, एक्सटेंड होते जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट का। एंड ये जो डी वाला सेट था, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइनाइट का। ओके तो और कुछ थोड़ा मैंने एग्जाम्पल्स दिया था, ये होमवर्क में भी मैंने आपको दिया था, तो जस्ट चेक करना आंसर्स इसके। ओके पहले केस में बोला क्या कि हम लोग को ए और बी के ऐसे वैल्यूज लेने
जिससे हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ए का वैल्यू अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया तो आपको सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पहली चीज बोला है। तो अगर ए को मैंने 1 लिया तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 12। ए को अगर 2 लिया, बी का वैल्यू आएगा 6। ए को 3 लिया, बी का वैल्यू आएगा 4। ए को 4 लिया, बी का वैल्यू कितना आएगा, 3। 5 से तो 12 आएगा ही नहीं। 6 लिया तो यहाँ पे कितना होगा, 2। 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आने वाला, 10 से नहीं आएगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा। ओके, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है? एक तो आएगा 1, 12, दूसरा आएगा 2, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 2, 12, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज एच वाले केस में। अब इधर हमें क्या बोला गया, ए प्लस बी कितना होना चाहिए बोला गया, -7। और ए और बी किसको आना चाहिए, नेचुरल नंबर्स को। अब आप जरा सोच भी लेना, आप ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर हो, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कभी हमारा आंसर नेगेटिव होने का चांस नहीं है। तो ये कैसे साइड का सेट आएगा, नल सेट। नल सेट को हम लोग किसमें काउंट करते, वी काउंट इट इन फाइनाइट सेट। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते, तो ये किसमें आएगा, फाइनाइट सेट। कैसे काउंट कर सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स यहाँ पे काउंट कर सकते फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग बात करें किसके बारे में, आई के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना है, 3, 4, 3। नेक्स्ट क्यूब इधर गया तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 3, 4, 3, ये कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, 7। अब किसके दिमाग में आएगा, क्यों -7 लिया नहीं जैसे हमने स्क्वायर में किया, तो जस्ट ध्यान देना, -7 × -7 × -7 कितने नेगेटिव साइन है, टोटल 3, तो साइन क्या होगा, -3, 4, 3। अभी किसके दिमाग में ऐसे आएगा, अगर मैंने 2 बार -7 लेके 1 बार +7 लिया, तो देखो क्यूब बोला है, क्यूब का मीनिंग क्या है कि तीनों नंबर्स क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि एक नंबर को हमने डिफरेंट लिया, बाकी दो को हमने सेम लिया। क्यूब वर्ड का मीनिंग क्या है कि एलिमेंट्स तीनों के तीनों क्या रहने चाहिए, सेम। तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 7। तो इधर भी हमारा आंसर क्या होगा, 7। ये हो गया किसका एग्जाम्पल, दैट इज सिंगल टेन सेट का। एंड सिंगल टेन सेट को हम लोग किसमें काउंट करते, दैट इज फाइनाइट सेट में। नेक्स्ट आई के बाद हम लोग बात करें किसके बारे में, जे के बारे में। तो इधर इधर बोला गया एक्स सच दैट, एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर्स को। तो ऑफकोर्स हमें पहले किसको सॉल्व करना है, ये अंदर के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे होएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 49। एक्स इक्वल्स टू इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49। आपको स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, +7 भी आएगा एंड इसके साथ साथ -7 भी आएगा। और अभी आपको वापस समझाता हूँ, जैसे इधर 7 × 7 किया तो भी कितना होगा, 49। -7 × 7 किया तो कितना होगा, 49। कि माइनस माइनस कितना नेगेटिव साइन है, दो नेगेटिव साइन है, दो नेगेटिव पे हमेशा क्या होता है, प्लस। लेकिन इधर ध्यान देने वाला बात है, पिछले बार जब हमने सॉल्व किया तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, इंटीजर्स को। यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। तो आप क्या बोलोगे, -7 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमारा जे का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना होगा, 7। ये कैसे टाइप का एग्जाम्पल हो गया, दैट इज सिंगल टेन सेट, या हम लोग और एक नाम से बोलते फाइनाइट सेट। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आते दैट इज एच पे। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्यू के ऊपर क्या डाला है, डैश। क्यू के ऊपर डैश डाला, इसका मीनिंग क्या, ये किसको बिलोंग करता है, इरेशनल को। हमें किसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू किसको, 11। सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11। स्क्वायर दूसरे से जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते हो क्या आएगा, प्लस, और क्या आएगा, माइनस। ओके, अब +11 रूट 11 एंड -√11। मैंने आपको बोला था इरेशनल नंबर्स का एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर किसमें काउंट करते, बिलोंग्स टू क्या आएगा, इरेशनल। देयरफॉर इसके आंसर में क्या आएगा, √11, और क्या आएगा, -√11। अब इसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि ये वाला पार्ट ऐसा, जस्ट आपको जस्ट एक आइडिया के लिए आपको दे रहा हूं,
ज्यादा ये मत करना कि अरे यार एग्जाम में नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको एक बेसिक एक आइडिया मिलना चाहिए करके, जस्ट आपको बता रहा ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दैट इज फाइनाइट सेट का। ओके जरा थोड़ा और एग्जाम्पल्स आपको दिया है, ये जरा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर वीडियो को दैट इज प्ले करके आप चाहे तो चेक कर सकते हो, वीडियो को पहले अभी पॉज करके ट्राई करना खुद से। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। ए प्लस बी यहाँ पे कितना दिया गया, 5। ए एंड बी किसको बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर्स, तो 0 5 ऐड के तो 5 आएगा, 1 4 इधर क्या आएगा, 2 3 3 2 4 1 जी सॉरी मेरे गलती हो, 5 और यहाँ पे क्या होगा, 0। तो हमारे के में ऑर्डर्ड पेयर्स में कौन कौन आएगा, 0, 5, 1, 4, नेक्स्ट इज 2, 3, उसके बाद आएगा 3, 2, नेक्स्ट आएगा दैट इज 4, 1 एंड उसके बाद क्या आएगा, 5, क्या होगा, 0। और एक ऐसे टाइप का सेट रहेगा, ये रहेगा दैट इज फाइनाइट सेट। ओके आगे जाते, नेक्स्ट वाले केस में हमें बोला गया दैट इज एल सेट के बारे में। तो एल सेट के बारे में यहां पे बोला गया कि ए और बी को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलना चाहिए -6। ओके तो -6 कैसे मिलेगा, अगर मैंने ए को लिया -1 और यहां पे लिया 6 तो मुझे मिलेगा -6। सिमिलरली ए को लिया 1 बी को लिया -6 तो भी मुझे क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। वैसे 2 और यहां पे आएगा 3, ये बन जाएगा सॉरी 2 और -2 और 3। वैसे और एक क्या ले सकता हो, 2 और -3 ले सकता हो, इधर भी क्या आएगा दैट इज -6। वैसे नेक्स्ट केस में मैं यहाँ पे ले सकता हूं 3 और क्या ले सकता हूं, 2 -3 और 2, तो ये बन जाएगा -6। वैसे 3 और यहाँ पे लूंगा -2 तो ये भी बन जाएगा -6। नेक्स्ट इज मैं ले सकता हूं 6 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 6 को लूंगा नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन लूंगा, बस उतना ध्यान देना, इधर आएगा 6 और इधर आएगा -1 तो ये बन जाएगा -6। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 और 6, दूसरा आ रहा है 1 और -6, तीसरा आ रहा है -2 और 3, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 और -3, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे -3 एंड 2, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 और क्या हो रहा है -2, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है -6 -6 और यहाँ पे क्या आ रहा है दैट इज 1 एंड लास्ट केस में यहाँ पे आएगा 6 और -1। अब बहुत जन के दिमाग में आएगा आपने -3 और -2 ऐसा क्यों नहीं लिया, तो जस्ट ध्यान देना नेगेटिव साइन हमें चाहिए यहाँ पे। नेगेटिव साइन पॉसिबल कब है, जब क्या रहेगा एक साइन नेगेटिव रहेगा तब, दो साइंस नेगेटिव रहेगा तो साइन क्या होगा प्लस होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट आते एम वाले पार्ट में, यहाँ पे बोला गया x² = -49। अब आप जरा सोचना, स्क्वेयर्स तो हमेशा कह रहे थे दोनों नंबर क्या रहना चाहिए सेम, तो इधर भी क्या आ रहा है 49 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है 49। स्क्वेयर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते है। अभी किसके दिमाग में ऐसे आएगा -7 × 7 किया तो कितना होगा -49। हाँ लेकिन जस्ट ध्यान देना स्क्वेयर नंबर है मतलब क्या, दोनों नंबर क्या रहना चाहिए सेम, यहाँ पे एक नंबर -7 है दूसरा नंबर क्या है +7 है, तो ये सेम है क्या, तो इसका आंसर है नहीं। तो इसका मतलब x² कभी -49 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा नल सेट आएगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया x³ कितना रहना चाहिए -512, तो क्यूब दूसरे से जाएगा तो क्या होगा क्यूब रूट ऑफ क्या बनेगा -512, क्यूब रूट ऑफ -512 ये बन जाएगा -8 × -8 × -8 किया तो क्या आएगा आंसर आएगा -8 आएगा। एंड नेक्स्ट -8 किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा -8। याद रखना क्यूब में तीनों नंबर क्या रहना चाहिए सेम, कितना नेगेटिव साइन है 3 तो साइन क्या होगा -8 × 8 × 8 ये हो जाएगा 512।
अब चेक करना है वेदर इक्वल सेट है या नहीं। तो ए में बोला गया इज द लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, तो ए में यहां पे आएगा एल आई एस टी ई और क्या होगा एन। बी में यहां पे क्या क्या आएगा एस आई एल ई एन और यहां पे होगा टी। नोटिस क्या करोगे, एल एल प्रेजेंट है, आई आई प्रेजेंट है, एस एस प्रेजेंट है, टी टी प्रेजेंट है, एन एन प्रेजेंट है, ई और यहाँ पे ई प्रेजेंट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्या है दैट इज बी आर क्या है सेम। देयरफॉर क्या बोलेंगे, सेट ए इक्वल टू क्या रहेगा सेट बी, या ए कॉमा बी आर क्या है इक्वल सेट। ओके अब जाते आगे। अब यहां पे हम लोग क्लियरली नोटिस कर सकते हैं सेकंड वाले में क्या नहीं है, फोर प्रेजेंट नहीं है, किसमें ए में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए डज नॉट कंटेन द एलिमेंट क्या था फोर, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी, या ए और बी इज नॉट क्या बोल सकते हैं इक्वल सेट। वैसे एग्जाम्पल नंबर फोर, ए में क्या बोला गया इज अ प्राइम नंबर 10 और 20 के बीच में, क्या क्या आता है 10 11 13 17 और यहाँ पे क्या है 19। और सेट बी में भी क्या दिया है 11 13 17 और क्या है 19, क्या बोलेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्या है ए आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्या है बी। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू बी, ए कॉमा बी आर क्या बोल सकते इक्वल सेट्स। नेक्स्ट इज यहां पे ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टू एन बोला है, एक्स इक्वल्स टू टू एन मतलब ये क्या रहेगा, ये रहेगा सबसे फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ टू। अब इधर देखो इधर क्या बोल रहा है, देखो अगर आप सिंबल याद है आपको इसका मतलब है बिटवीन, बिटवीन का मतलब मुझे जीरो को काउंट नहीं करना है, इसका मतलब है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब मुझे 10 को लेना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है। इधर देखो इधर क्या बोला है, बिटवीन का सिंबल ये मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में समझाया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रॉम, बिटवीन मतलब मुझे जीरो को नहीं लेना है, फ्रॉम मतलब मुझे 10 को काउंट करना है। अब इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 0 लेंगे क्या हम लोग, नहीं क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 को नहीं लेने बोला है। तो 2 इंटू क्या आएगा 1, तो 2 इंटू 1 होगा 2, 2 टू 4, n के बदले 3 लेना है तो कितना होगा 6, n के बदले 4, n के बदले 5 तो 2 5 आर 10, n के बदले 6 विच इज 12, 14, 16, 18। क्या 2 इंटू 10 लेना है क्या, ऑफकोर्स लेना है क्योंकि बोला है फ्रॉम बोला है 10 में, तो इधर 2 इंटू 10 कितना होगा दैट इज 20। नेक्स्ट बी बोला है, बी इज एन इवन नंबर, कहां से कहां बोला है फ्रॉम 1, देखो इधर फ्रॉम दिया 1 और फ्रॉम दिया 10, मतलब 1 और 10 को हमें काउंट करना है, तो 2 आएगा 4 6 8 10, ओ सॉरी यहां पे जस्ट एक छोटा मिस्टेक हो गया, यहां पे उन्होंने बोला है कि x का वैल्यू क्या रहेगा 0, x का वैल्यू है जस्ट ध्यान देना, तो यहां पे x जो है ये 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इधर क्लियरली मेंशन है। क्या 12 हम लोग ले सकते क्या, नहीं क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो रेंज है कहां से कहां है 0 और 10, तो 12 14 ये सब नहीं आएगा, ठीक है। क्लियरली नोटिस कर सकते ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज यहां पे क्या एलिमेंट्स ऑफ क्या है बी, देयरफॉर क्या बोलेंगे ए इक्वल्स टू क्या रहेगा बी, या बोल सकते ए कॉमा बी आर क्या है इक्वल सेट। नेक्स्ट पार्ट पे आते, तो यहां पे हमें क्या बोला गया, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना है 2। हमें किसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए, अंदर की इक्वेशन को सॉल्व करने, क्या करेंगे यहां पे
-1 को अगर दूसरी साइड लेके गया तो क्या होगा, +1। 3x इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 3, x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड। ओके, किसको अगर समझा नहीं क्या किया है, तो बेसिक्स क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्ड मास का उल्टा लगा रहे। जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हो पहले चेक करते हो क्या चेक करना है, एड सब्ट्रैक्ट कोई कर रहा है क्या, ऑफकोर्स क्या कर रहा है, -1। इसलिए -1 दूसरे साइड गया तो क्या बन जाएगा, +1। उसके चेक करना है कोई डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, 3। दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड होगा, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब ए में कौन सा एलिमेंट आएगा, 1। नेक्स्ट बी में क्या बोला गया, अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1। 2 जो है उसको हम लोग किसमें काउंट करते, प्राइम में काउंट करते। 3 भी प्राइम में आता है, 4 कॉम्पोजिट में आता है, 5 प्राइम में आता है, 6 कॉम्पोजिट में आता है, 7 प्राइम में आता है। अब प्राइम नंबर्स मतलब क्या, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझा दिया है, जैसे कि 2 किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 3 सिर्फ और सिर्फ उसके टेबल में और 1 के टेबल में आता है। लेकिन 4, 4 और 1 के टेबल के साथ साथ ये 2 में भी एक्स्ट्रा आता है, इसके लिए हम लोग इसको किस में काउंट करते हैं, कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो क्या होते हैं, खुद के इसमें आते हैं, 1 के इसमें आते हैं। कॉम्पोजिट खुद के और 1 के इसमें को छोड़ के एक्स्ट्रा और भी ऐसे टेबल्स रहेंगे जिसमें आता है, लेकिन 1 1 तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 के केस में आएगा, तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग प्राइम नंबर्स भी नहीं बोल सकते। तो 1 क्या रहेगा, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सी में क्या बोला गया, एक्स सच दैट, एक्स इसको बिलोंग करता जाए नेचुरल नंबर्स, एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर है, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब आते सेकेंड वाले क्वेश्चन में, ए क्या ने बताया, इवन प्राइम नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 2। बी बी वाला सॉल्व करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7x माइनस 1 को 13 करेंगे, 7x इक्वल टू यहाँ पे होगा 13, माइनस 1 दूसरी साइड गया तो क्या होगा, +1। 7x इक्वल टू इधर कितना होगा, 14। मालूम है ना हमने क्या किया, पहले बॉर्ड मास का उल्टा, पहले सब्ट्रैक्शन एडिशन को दूसरे लेके गया, फिर डिविजन मल्टीप्लीकेशन दूसरे लेके गया, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 14 अपॉन 7, विच इज यहाँ पे कितना होगा, 2। तो b केस में यहाँ पे मेंशन्ड है कितना है ये, 2। क्या बोलेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड क्या बोलेंगे b, r क्या है, सेम, देयरफॉर a इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, b, a एंड b r क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या बोला गया, अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, तो सबसे छोटा नंबर रहता है 1 है, और यहाँ पे बोला क्या गया, 0 से भी छोटा, मतलब 0 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर, ऑफकोर्स कोई भी नंबर नहीं है, तो ये क्या आएगा, ये रहेगा नल सेट, क्योंकि 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस में हमें बी के बारे में पूछा है क्या रहेगा करके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना है बोला गया, 0, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या रहेगा, 0। तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो इट इज क्या, नॉट अ नल सेट। फिर ये कौन से टाइप का सेट है, एक एलिमेंट रहेगा तो क्या रहेगा, ये बन जाएगा सिंगल टन सेट। नेक्स्ट क्या बोला गया, थर्ड वाले पार्ट में इधर बोला गया, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है, 0। एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, हमें किसको सॉल्व करना, इक्वेशन को, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। पहले सब्ट्रैक्शन एडिशन को हमें कहाँ पे लेके जाना, दूसरी साइड, तो माइनस दूसरे जाएगा तो क्या होगा, प्लस। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन दूसरे से जाएगा तो क्या होगा, डिविजन, तो क्या आएगा, 2/5। लेकिन 2/5 जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, सी जो रहेगा ये भी क्या रहे, एम्प्टी सेट, या इसको हम लोग बोलेंगे इट इज क्या, नल सेट। फिर आते ये फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, यहां पे हमें बोला गया राइट विथ रीजंस विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सबसे पहले आते ए पे, बोला क्या गया, नेचुरल नंबर
लेस देन 10 मतलब x से छोटा, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग क्या कर सकते, काउंट कर सकते। तो बोल सकते एलिमेंट्स आर, रीजन लिखने बोला इसके लिए लिख रहा हूं, एलिमेंट्स आर क्या है, काउंटेबल, देयरफॉर क्या रहेगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वैसे सेकंड वाला पार्ट बी, इधर क्या बोला गया, वाई इज लेस देन माइनस वन। लेस देन माइनस वन का मतलब क्या है कि माइनस वन के लेफ्ट में कौन से नंबर्स है, तो यहां पे आएगा दैट इज -2 -3 -4 -5 -6, और ये ऐसे ही जाते रहेगा। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, देयरफॉर ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज सी वाले पार्ट में, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब क्लास 9 के बच्चे लोग को आप क्या कर सकते हो, हर डिवीजन के बच्चों को क्या कर सकते हो, आप गिन सकते हो। गिन सकते करके क्या रहेगा, हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देयरफॉर ये भी किसका एग्जांपल हो गया, फाइनाइट सेट का। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला गया, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब विलेज के जो नंबर ऑफ पीपल है इसको हम लोग क्या कर सकते, काउंट कर सकते एट अ प्रेजेंट टाइम पे। अब हम लोग इसमें कितने जन का डेथ हो रहा है, कितने जन का मौत हो रहा है, या कितने जन का पैदा हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते। हम लोग एट अ प्रेजेंट टाइम काउंट कर सकते क्या पीपल को, तो ऑफकोर्स यस, लोगों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आर क्या है, काउंटेबल, लोगों को गिन सकते, ये याद रखना। देयरफॉर ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट में क्या बोला गया, सेट ऑफ एपरेटस इन योर लाइब्रेरी। ये कौन सा, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ये था थर्ड और ये था फोर्थ। एपरेटस का मतलब क्या है कि हम लोग लैबोरेटरी में कितना टेस्ट ट्यूब है, कितना बर्नर्स है, फिर नेक्स्ट हम लोग मेजर कर सकते कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कितना यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स, ये सब हम लोग क्या कर सकते, काउंट कर सकते ये टेस्ट ट्यूब्स वगैरह को। तो एलिमेंट्स यहाँ पे भी क्या है, काउंटेबल है। तो देयरफॉर ये किस में काउंट होगा, फाइनाइट सेट में क्या होगा, काउंट। एंड लास्ट में आते दैट इज सिक्स्थ, सेट ऑफ होल नंबर्स। हमने लिखा था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड क्या रियल नंबर्स, ये सब किस में आता है, फाइनाइट सेट में। तो होल लास्ट के दो में होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर क्या है, इनफाइनाइट सेट। रीजन क्या लिखोगे, एलिमेंट्स आर क्या है, अनकाउंटेबल, मतलब यहां पे हम लोग इसको काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते, इसीलिए किसमें काउंट होगा, ये काउंट होगा इनफाइनाइट। तो हमने स्टार्टिंग में नोट में मैंने आपको बताया भी था, तो वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके okay, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज से रिलेटेड, मतलब नई वाला एक्सरसाइज से रिलेटेड है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है। सबसे पहले हम लोग को ए सेट में क्या बोला गया, यहाँ पे दो सेट्स हमें दिए। सबसे पहले सेट ए में क्या बोला गया, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, तो क्या आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दूसरा नेक्स्ट में क्या बोला गया, बी में यहाँ पे बोला गया एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स क्या जीरो से बड़ा, तो ये क्या आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ए और बी में जो एलिमेंट्स है दोनों क्या है, सेम, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा। रीजन आप चाहे तो बाद में साइड में लिख सकते हो, मैं सिर्फ सॉल्व करने वाला हूं, तो जस्ट आप रीजन बाद में साइड में लिखना, जो पैसे एक्सरसाइज में किया था सेम वैसे। क्या बोला गया, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ पे ई और ओ को छोड़ के, तो क्या आ रहा है एच कॉमा यहाँ पे क्या आ रहा है एल। B is a consonant of English alphabet except E and O बोला है, मतलब E और O को नहीं रहना चाहिए X, तो क्या आएगा A B C D। E नहीं आएगा, F G H I नहीं आएगा क्योंकि consonant ने बोला है, तो J K and so on, आप समझ गए रहेंगे। यहाँ पे A क्या है, B के बराबर ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट में बोला गया X is a multiple of 4 लेकिन x क्या करना चाहिए 20 से छोटा, तो a में क्या आएगा 0 4 8 12 16,
20 आएगा कि नहीं, क्योंकि लेस देन 20 बोला है, एंड मल्टीपल ऑफ 4 तो यही आएगा। इवन नंबर ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, बट लेस देन 20 बोला, 20 से क्या रहना चाहिए, कम। ऑफ कोर्स दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट आते फोर्थ पे, इज अ टू डिजिट नंबर बोला है, तो टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 10, 11, 12, 13 एंड कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। वैसे ही बी में एक्स फ्रॉम, देखो ये फ्रॉम हो गया एंड बिटवीन 100, तो 100 को काउंट नहीं करना है लेकिन 10 को काउंट करना है, तो यहां पे आएगा 10, 11, 12, 13 कहां तक जाएगा, 99 तक। ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या है सेम, या एलिमेंट्स क्या है सेम, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इक्वल सेट का। नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर बाय लेस देन 25 बोला है, लेस देन 25 मतलब 25 को हमें लेना नहीं है, तो स्क्वायर नंबर्स क्या आएगा, दैट इज 0 का स्क्वायर होगा 0, 1, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 4, 9, 16, क्या 25 आने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि लेस देन 25 बोला है। ओके अब इस केस में क्या बोला गया, एक्स इक्वल टू क्या रहना चाहिए, एन स्क्वायर, एन का वैल्यू क्या रहना चाहिए बोला गया, 4 से क्या, सॉरी 5 से क्या रहना चाहिए, लेस। ओके तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर बोला है, एन का वैल्यू क्या रहना चाहिए, 5 से कम, और इधर एक जेड दिया है, ये आपके फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है, जेड का मतलब क्या, इंटीजर है, ठीक है, तो इधर ध्यान देना। तो एक्स का वैल्यू में क्या, एन का वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं, एन का वैल्यू मैं नंबर लाइन पे माइनस फाइव से छोटा कोई भी ले सकता हो, सॉरी मेरे बोलते फाइव से छोटा कोई भी ले सकता हो, तो यहाँ पे आएगा 5, 3, 2, 1, 0। अब प्रॉब्लम क्या होता है, नेगेटिव नंबर में कोई इशू नहीं, माइनस वन, माइनस टू, मैं आगे का ले लेता हूँ, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, यहां तक कोई इशू नहीं है। इशू आता है कब, इसके आगे से, दैट इज माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट। अब क्या आएगा देखना जरा, फाइव का स्क्वायर तो 25 है, लेस देन 5 बोला तो 5 को काउंट नहीं करना, सॉरी, तो 4 से चलना है, तो 4 का कितना आएगा, 16, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर होगा 9, 4, फिर आएगा 1, 0, वापस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का 4, 9, 16, 4 माइनस 4 तक हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, नेक्स्ट माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36, माइनस 7 का 49, एंड ऐसे ही जाते ही रहेगा। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, तो इसका आंसर है नहीं, तो थोड़ा ध्यान देना इसमें, लेस देन 5 बोला है एंड क्या बोला गया, एन किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, तो लेस देन 5 क्या आएगा, 4, 3, 2, 1, 0 से लेके सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कहां तक जा सकता है, माइनस 8 इन माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, तो माइनस 4 तक तो कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम कहां से होता है, माइनस 5 माइनस 6 से, यहां से डिफरेंट एलिमेंट्स आने क्या होगा, स्टार्ट होगा, जैसे कि इधर देख सकते हो वाले पार्ट, तो ए और बी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ये था फिफ्थ का प्रॉब्लम। सिक्स जो है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ क्या बोला गया, 5, मल्टीपल ऑफ 5 है तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 और ये सीरीज ऐसे आगे जाते रहेगा। एक्स इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 5, अब इंटीजर जो 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0, 5, 10, 15 और ये सीरीज ऐसे जाते रहेगा। नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15 एंड सो ऑन। तो अब क्या दोनों इक्वल है क्या, इंटीजर्स बोला, ये थोड़ा ध्यान देना, इंटीजर्स बोला करके हम लोग को नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लेना पड़ेगा जो पाई के टेबल में आएगा, ए बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज सेवेंथ, ए इज अ वीकडे बोला है, वीकडे क्या होता है, संडे और संडे और सैटरडे को छोड़ के बाकी सब वीकडेज में काउंट होता है, तो आएगा यहाँ पे मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे। नेक्स्ट क्या बोला गया बी में, बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, बिटवीन का मतलब क्या, मंडे और फ्राइडे को काउंट नहीं करना है, तो यहां पे क्या होगा, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे और क्या आएगा, फ्राइडे को काउंट नहीं करना है। क्लियर दिख रहा है, ए बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट एथ वाले में, इज अ डिजिट, तो डिजिट्स क्या है, 4, 5 और क्या है, 6, बी क्या, दैट इज 4, 5 और यहाँ पे क्या है, 6, ए और बी क्या, दोनों बराबर है, तो मतलब क्या रहेगा, इक्वल सेट।
नेक्स्ट में क्या बोला गया, एक्स इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। तो 24 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? एक वन के टेबल में आता है, टू के टेबल, थ्री, फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व, ये सब के टेबल में आता है। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? 24 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट 36, ये आता है वन, टू 18 जा, थ्री 12 जा, फोर 9 जा, सिक्स 6 जा, फिर इसके बाद आता है नाइन 4 जा, फिर आएगा दैट इज 3 12 जा, नेक्स्ट आएगा 2 18 जा, और 18 2 जा। अब कॉमन फैक्टर्स बोला, कॉमन कौन है? वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व, ठीक है, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स है। तो ए में क्या आएगा? वन टू थ्री फोर सिक्स और क्या होगा? ट्वेल्व। वैसे एक्स इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ बोथ 24 एंड 36। तो 24 इसमें कौन आएगा? सेम वन टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व और 24। डिवाइजर का मतलब भी क्या? सेम ही है, 36। यहाँ पे आएगा वन टू थ्री फोर सिक्स नाइन ट्वेल्व 18 और क्या होगा? 36। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आने वाले एलिमेंट्स, तो इधर भी क्या आएगा? दैट इज वन टू थ्री फोर सिक्स एंड क्या आने वाला है? 12। ए और बी क्या दोनों सेम, तो इसका मतलब क्या रहेगा? इक्वल सेट रहेगा। ये था 9th का आंसर। नेक्स्ट इज 10th, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। तो ए में यहाँ पे आएगा बी ए एन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला गया? बी में ऐसे लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या आएगा? ए बी सी। बी नहीं आएगा क्योंकि बोला क्वेश्चन में एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एफ एन, तो बी नहीं आएगा। डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेगा। क्लियरली दिख रहा है ए और बी बराबर नहीं है। नेक्स्ट में एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर क्या आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ पे होगा 9। काउंट कर सकते, तो किसमें आ गया? दिस फाइनाइट सेट में। सेकेंड दैट इज क्या आएगा यहाँ पे? बी। इवन प्राइम नंबर क्या होगा? टू, एक ही एलिमेंट है तो ये क्या होगा? फाइनाइट। नेक्स्ट आते हैं थ्री, यहाँ पे आएगा दैट इज सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 100। तो मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 100 क्या आएगा? जीरो, सेवन, फोर्टीन, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 84, 91, 98, इनको सब हम लोग काउंट कर सकते, तो ये किसमें आएगा? दैट इज फाइनाइट सेट में। नेक्स्ट है फोर्थ, एक्स इज नेगेटिव ऑड इंटीजर। नेगेटिव मतलब -1, ऑड मतलब -3, -5, -7, -9 एंड सो ऑन, ये भी किसमें काउंट होगा? दैट इज फाइनाइट में। यहाँ पे फिफ्थ वाले में ए इक्वल्स टू, सारे वावल्स है तो ए आई ओ और यहाँ पे क्या रहे? यू। एलिमेंट्स को काउंट कर सकते, तो ये क्या होगा? फाइनाइट। सिक्स्थ में यहाँ पे आएगा दैट इज बी, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 36। वन टू थ्री फोर, सिक्स सिक्स जा, नाइन फोर जा, थ्री ट्वेल्व जा और यहाँ पे 2 18 जा और वन इंटू क्या होगा? 36। ये भी काउंट कर सकते, तो ये क्या होगा? फाइनाइट। नेक्स्ट आते सेवेंथ में, सेवेंथ में क्या बोला गया यहाँ पे? इज अ स्क्वायर नंबर बोला है। स्क्वायर नंबर मतलब क्या आएगा? जीरो का स्क्वायर जीरो, वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन, 25 एंड सो ऑन, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे जस्ट एक करेक्शन कर लेना, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे -1 -3 -5 -7 -9 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो गया, ये काउंटेबल नहीं है, जस्ट ये करेक्शन कर लेना यहाँ पे। फिर एट क्वेश्चन में इज अ लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, तो इधर आएगा सी ओ एम पी यू टी ई और क्या होगा? आर, तो इसको काउंट कर सकते,
तो ये किस में काउंट होगा, दैट इज फाइनाइट सेट। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस लिस्टिंग और रूल मेथड का थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, लिस्ट सेट ऑफ फर्स्ट फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4 और क्या होगा 5। अब इसको रूल मेथड में भी लिखने बोला फर्स्ट क्वेश्चन को, तो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स का वैल्यू कहां से कहां है, 5 से लेके कहां तक, 1 तक। ये पहला तरीका हुआ लिखने का। जो तरीका एक्स सच दैट एक्स इसको बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर, एक्स इज फर्स्ट फाइव पॉजिटिव क्या आएगा, दैट इज इंटीजर। नेक्स्ट आते सेकेंड पे, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, 2, 4, 6 और 8। बिटवीन का मतलब 1 और 10 को काउंट नहीं करना है। ए इक्वल्स टू, इसको लिखने का सॉरी, बी इक्वल्स टू, मेरा गलती हो, कैसे टाइप के नंबर्स है नेचुरल, तो एक्स सच दैट एक्स इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, दैट इज 8 से लेके कहां तक है, 2 तक। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या लिखने का, एक्स सच दैट एक्स इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ये सब क्या है मल्टीपल्स ऑफ 2 है, एन का वैल्यू कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, एन का वैल्यू अगर मैंने 1 डाला तो 2 1 जा होगा 2, एन का वैल्यू 4 डाला तो 4 2 जा कितना होगा 8। दूसरा तरीका क्या है, एक्स सच दैट एक्स इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर, कहां से कहां, फ्रॉम 2, 2 कितना होगा 8। नेक्स्ट आते थर्ड पे, राइट ऑल द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 स्टार्ट किससे होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ पे होगा 17 और इधर कितना होगा 19, 20 से कम बोला है। नेक्स्ट इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, कैसे टाइप के नंबर्स है सारे नेचुरल, इधर एक्स क्या है इज अ प्राइम नंबर, फ्रॉम कहाँ से बोलेंगे 2 से लेके कहां तक, 19 तक। नेक्स्ट आते फोर्थ पे, सेट ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 1 एंड 20, तो यहाँ पे आएगा डी, मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 20, मतलब 1 और 20 को काउंट नहीं करना है, तो आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। फिर लास्ट में इसको रूल मेथड में, एक्स सच दैट एक्स से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू क्या होगा 3n, एन का वैल्यू 3 1 जा डालेगा तो 3 मिलेगा, 3 6 जा डाला तो कितना होगा 18। एक और तरीका, एक्स सच दैट एक्स इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स क्या है इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है, दैट इज 3, कहां से का, फ्रॉम 3 टू कितना तक, 18 तक। नेक्स्ट फिफ्थ वन, इस केस में क्या बोला गया, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 15, 1 और 15 को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 को काउंट नहीं करना है, रूल मेथड में लिखना है, कैसे टाइप के नंबर्स ये सब नेचुरल, एक्स क्या है इज अ ऑड नंबर, कहाँ से का, फ्रॉम 3 2 कहाँ तक, 13 तक। फिर आते सिक्स्थ पे, ऑल वर्ड्स इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे एम ए टी एच ई, एम ए टी वापस आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आएगा आई सी और क्या होगा एस, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स क्या है, ये सब क्या है लेटर्स है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते मैथेइक्स भी लिख सकते, दूसरा जैसे दिया वैसे लिखो, दूसरा तरीका क्या है मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो, दोनों से आपका आंसर क्या करेक्ट है, आपको जो लिखना वो लिख सकते हो। फिर आते सेवेंथ में, क्या बोला गया, दैट इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, 12 कौन से टेबल्स में आता है, 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, इधर कितना आएगा, और नेक्स्ट क्या आने वाला, दैट इज 1 12 जा। फिर बी इज सी आएगा, कैसे टाइप के नंबर है सारे नेचुरल नंबर्स, एक्स सच दैट एक्स को बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स इज अ यहाँ पे बोल सकते डिवाइजर ऑफ क्या है 12, बस रूल लिखने को आना चाहिए। एट,
राइट द सेट ऑफ ऑल सिंगल डिजिट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। सबसे पहले नॉन नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन है? हाँ, एक और एक चीज, नॉन नेगेटिव का मतलब इवन जीरो भी काउंट होगा। तो यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या होगा 9। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा डी, जैसे कैसे टाइप के नंबर्स है, होल नंबर्स, तो एक्स सच दैट एक्स से बिलोंग करता है होल नंबर। फिर एक्स क्या है, एक्स इज अ इंटीजर, कहां से का, फ्रॉम 0 to का तक, 9 तक। नेक्स्ट आते 9 क्वेश्चन पे, राइट द सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वेयर्स। तो यहाँ पे आएगा ई, लेस देन 50, तो आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ये सर क्या 50 से कम है? ई इक्वल्स टू, सो कैसे टाइप के नंबर है, नेचुरल, एक्स सच द एक्स से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स इज अ स्क्वेयर नंबर फ्रॉम कहा से 1 to कहा तक, 49 तक। ये हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है, एक्स सच दैट एक्स से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वेयर, एन का वैल्यू कहा से कहा रहेगा 1 से लेके कहा तक 7 तक। नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या 10, सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर दैट आर 31 डेज। तो 31 डेज कौन से मंथ्स में रहता है बोला है, तो यहाँ पे आएगा जैन, मार्च, मार्च के बाद नेक्स्ट क्या आएगा दैट इज मई, नेक्स्ट आएगा जुलाई, फिर जुलाई के बाद आएगा यहाँ पे अगस्त, फिर आएगा सितंबर, सितंबर नहीं सॉरी मेरे गलती, सितंबर में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अक्टूबर, दिसंबर। फिर यहाँ पे इसको रूल मेथड में लिखना है, x such that x is a month of English calendar with कितना डेज, 31 डेज। अब आपको आ गया लेस देन कितना, दैट इज 30 डेज। तो लेस देन 30 डेज सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में रहता है, दैट इज कौन सा आएगा, फेब्रवरी। और फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंगल टेन सेट का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आते 11th पे, राइट द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। में ए ई आई ओ और यहाँ पे क्या होगा यू, इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है इज अ वावल ऑफ क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 12th वाले पार्ट पे, राइट द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक इन लिस्टिंग मेथड। तो डेज ऑफ द वीक क्या आएगा, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड क्या होगा संडे। इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट इज 13th, राइट द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा है, तो मैं आपके लिए जस्ट स्टार्टिंग के कुछ लिखता हूँ, ए बी सी डी एफ जी एच एंड सो ऑन। इसमें सिर्फ क्या नहीं आना चाहिए, ए ई आई ओ यू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सी पार्ट में आप क्या बोलोगे, एक्स सच दैट एक्स इसको बिलोंग कर, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ क्या आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे याद रखना इसमें क्या नहीं आएगा, ए ई आई ओ यू ये नहीं आएगा, ठीक है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब एलिमेंट्स आएगा। नेक्स्ट है 14 में क्या बोला है, राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 20। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या आएगा, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 20 आएगा क्या, नहीं आएगा। नेक्स्ट में आप लिखोगे डी, ये कैसे टाइप के नंबर्स है, होल नंबर्स है, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू कितना होगा 2n, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके n का वैल्यू 2 9 18 होता है। दूसरा तरीका, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर, x इज एन इवन नंबर कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0 to कहाँ तक 18 तक।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज 15। 15 में क्या, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। तो पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30 यहाँ पे क्या होगा, 0, 5, 10, 15, 20, 25। इसको लिखें कैसे, इसको दूसरा तरीका क्या है, एक्स सच दैट, एक्स इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू इधर कितना होगा 5n, एन का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, 0 डाला तो मुझे मिलेगा 5, एन का वैल्यू 5 डालेगा तो मुझे कितना मिलेगा 25। दूसरा तरीका क्या है, एक्स सच दैट एक्स इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एक्स क्या है इज अ मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम कहां से 0 टू कितना 25 तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट 16 वाले में, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -10। -10 से ग्रेटर का मतलब क्या है कि इसके राइट साइड में जो भी नंबर्स आएगा सब क्या रहेगा, बड़ा, मतलब क्या आएगा -9, -8 एंड सो ऑन। तो ये 16 वाले में यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल्स टू ग्रेटर देन -10 क्या आने वाला है, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब नेक्स्ट यहाँ पे a इक्वल्स टू x सच दैट x किसको बिलोंग करते इंटीजर्स को, x इज अ क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर कासे का फ्रॉम -9 टू का तक -1 तक, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, x सच दैट x इज अ बिलोंग करते इंटीजर, x का वैल्यू कहां से कहां है -1 से लेके कहां तक -9 तक। नेक्स्ट आते दैट इज 17 वे, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 7। तो इस केस में यहाँ पे होगा 0, 7, 14, 21, 28, 35, इधर आएगा 42, 49, 56, 63, 70, यहाँ पे होगा 77, 84, 91, 98। B इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा x सच दैट x किसको बिलोंग करता है, दैट इज नेचुरल नंबर्स, नहीं नेचुरल नंबर्स नहीं आएगा, इधर आएगा होल नंबर क्योंकि 0 इंक्लूडेड है यहाँ पे, और x इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है 7 कहां से का फ्रॉम 0 टू कहां तक 98 तक। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है होल नंबर, एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 7n, एन का वैल्यू क्या डालने पे अपने को 0 मिलेगा, आपको 0 डालने पे, और क्या डालने पे 98 मिलेगा 14 डालने पे। नेक्स्ट इज 18। 18 और जो 19 है ये कुछ ज्यादा फालतू क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 20। इधर बोला क्या, दैट इज राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो क्वाइट इजी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा x सच दैट x इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन क्या आएगा 10। आई होप याद है सबको, क्लियर है। इसके आगे हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट करेंगे।